क्लासेस भी। ओके, तो आप साथ की साथ नोट डाउन कर सकते हो। लेट स्टार्ट टू डू ओके इट। मैम, मेरे यस सौरभ, तो सारे सेक्शन बना लो। मैम ओके। आप साथ की साथ ही इनका वर्क नोट डाउन करोगे। मेरे सारे सेक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वासुदेव, गुड मॉर्निंग। यस, लेट्स स्टार्ट। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वर्कशीट नंबर, गुड मॉर्निंग। इट्स वर्कशीट नंबर 16, बेस्ड अपॉन विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 14। यस, बसवास फार्म। यस, फर्स्ट सेक्शन इज नॉलेज सेक्शन। नॉलेज सेक्शन, सो ए पार्ट इज फिलप्स डैश इज यूज टू लूजन द सॉइल। यस वासुदेव, वासुदेव विल टेल। वासुदेव, नो। यस सौरभ, सौरभ यस। यस खुंटी, इट्स स्पेलिंग्स आर A-H-U-N-T-I। यस खुंटी, राइट डाउन इट्स। नो, राइट डाउन खुंटी, KHUNTI खुंटी। इट्स सेकेंड पार्ट इज डैश ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। यस काव्यांश, काव्यांश विल टेल। काव्यांश स्विच ऑन योर कैमरा। यस वीट, स्पेलिंग्स ऑफ वीट्स आर, स्पेलिंग्स W-E-T-S। यस WEEDS weeds। Second is, yes, second B part MCQs। Name the implement used to cut the dried leaves। We have four options, khunti, illige, kurich, none। Just wait। Yes Aryan, illige, yes, it's option number B। बी ऑप्शन के आगे आप टिक करोगे और ऊपर भी, ऊपर नोट डाउन करने की स्पेस नहीं है, यहीं पे टिक करोगे। फाइन, सेकंड पार्ट इज अनियन इज द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम, रूट, फ्लावर एंड लीफ। यस रिष्टि, स्टेम, नो, ऑप्शन ए स्टेम। मैंने इसका रीजन आपको वीडियो में क्लियर किया था। नेक्स्ट सी पार्ट इज मैच द कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। हैव यू डन? यस मैम। ओके ओके ओके, नाउ वीड्स, वी विल मैच वीड्स विद विच पॉइंट? यस अनवांटेड प्लांट्स। यस ए विल गो विद सी पॉइंट, ए को सी के साथ मैच करोगे। सेकंड इज करिच, करिच को मैच करोगे। आयुष कुमार पाल, नो आयुष, आयुष, टू स्प्रिंकल द सीड्स। यस इट विल गो विद डी पॉइंट, इसको डी के साथ मैच करिए। यस नेक्स्ट मनमोहन सिंह, मनमोहन, 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 अनामिका, यस
Anamika? Jaslyn kaur? बेटा इसका आंसर तो बता सकते हो आप कि बुलॉक्स को किसके साथ मैच करेंगे हम, शार्प टूल के साथ, टू पुल द करेज अनवांटेड प्लांट्स और टू स्प्रिंकल द सीड्स। यस अनामिका, अनामिका टेल मी, नो जस्ट वेट, यस अक्षय, switch on your camera, tell me answer. Yes, it will go with bullock ko kiske sath match karenge hum, it will go with yes to pull b part, b to pull the courage ke bullock use kiye jate hain courage ko pull karne ke liye jisse seeds sprinkle hote hain. Last is weed. वीड क्या होती है? अनवांटेड, सॉरी लास्ट इज इलीगे, इलीगे क्या होती है? शार्प टूल जो हमने कल ड्रॉ की थी, क्लियर? यस मैम, इसको मैच करिए मैम, डन, एवरीबॉडी हैज डन, यस मैम, यस मैम, ओके नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. It's a D point. Belvonica is a village in Kerala. Angel will tell. No, Angel will tell. No. Angel. Switch on your camera, Angel. Tell me its answer. Belvonica is a village in Kerala. Angel? No. No. Angel, switch on your camera. कितना time मत लगाया करो आप. Angel? No, 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 no. Garima will tell now. Garima? Then false. Switch on your camera. जब भी question का answer देना आपका camera class में on ही रहना चाहिए. Yes, it is false. Where it is? Belvonica कहाँ पे है? It is in? Garima? Yes, it is in? कर्नाटका. यस, सो इट इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये गिवन है कि केरला में है. इट इज फॉल्स. सेकंड इज सीड्स शुड बी स्प्रिंकल एट राइट डिस्टेंस. सीड्स को जब स्प्रिंकल करने हैं तो राइट डिस्टेंस पे स्प्रिंकल होने चाहिए, ऐसे जैसे इक्वल गैप होना चाहिए उनके बीच में. यस प्रियांशु, यस इट इज ट्रू. यस यस ट्रू है ये. यस नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. तो जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किए वो कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, वेयर इज द बेलवानिका विलेज. अभी हमने डिस्कस भी किया है कि बेलवानिका विलेज कहाँ पे है. Write down question if no, write down question if not done. जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है पहले नोट डाउन करिए. सेकेंड सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. सेक्शन यस, क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट का आंसर होगा यस. नो वेट, जस्ट वेट,
Just wait. Yes, Rutvi. No, Rutvi, tell me its answer. Where is Belvanika village? Yes. Karnataka. Switch on your camera. Then tell me the answer. जिस भी स्टूडेंट का कैमरा ऑन नहीं होगा उसका क्वेश्चन का आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा. यस इट इज इन कर्नाटका. ओके जयराज. जयराज जयराज नो सिस्ट्री. वेयर इज जयराज. दक्ष रोल नंबर 33. नो दक्ष 33 रोल नंबर. यस मैम. टेल मी इट्स आंसर. वेयर इज बेलवानिका विलेज. अभी अभी डिस्कस किया, अभी भी आंसर भी आया इसका. यस कर्नाटका. इट इज इन कर्नाटका. सो नोट इट डाउन इट्स आंसर. नो बेलवानिका विलेज विलेज इज इन कर्नाटका. इज इन कर्नाटका. कर्नाटका यस. स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज बसवाज फैमिली हैप्पी दिस ईयर. नो 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 नो. तानिया विल टेल. तानिया वेयर इज तानिया. नो बेटा. तानिया आर यू लिसनिंग. ओके तानिया. यस मैम. टेल मी इट्स आंसर. इमीडिएटली आपका रिस्पांस आना चाहिए. यस मैम. मैम पीछे से फोन हो रहा था. क्या हो रहा था मैम? पीछे इधर मेरी पूछ इसलिए शोर आ रहा. तो बच्चे ऐसी जगह पे मत बैठा करो जहाँ पे शोर होता है. यस अक्षज. टेल मी इट्स आंसर. व्हाई वाज बस वाज फैमिली हैप्पी दिस ईयर. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. यस अनियन क्रॉप. यस बस आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोगे ना. बस वाज फैमिली वाज हैप्पी दिस ईयर बिकॉज. यस यस दे हैड गुड अनियन क्रॉप. नो डाउन इट्स आंसर. बसवाज फैमिली वॉज हैप्पी दिस ईयर बिकॉज दे हैड गुड अनियन क्रॉप. नोट इट डाउन. Yes. Yes. Then? Yes, ma'am. Okay. Next is analysis and synthesis.
which is our third section. Third section is analysis and synthesis. तो इसका मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन लर्न करना, पॉइंट्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. तो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग. फार्मिंग में कौन कौन से स्टेप्स. यस, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग. फार्मिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. यस, फर्स्ट पॉइंट, ओनली फर्स्ट पॉइंट. यस आर्यन, यस विद द प्लो. तो फर्स्ट पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे इसके आंसर में. फर्स्ट पॉइंट, प्लोइंग द फील्ड, सिंपल, प्लोइंग द फील्ड शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी, प्लोइंग द फील्ड. यस, सेकेंड पॉइंट इज Seeds are sown in the soil manually or by seed drill. तो पॉइंट बनेगा sowing the seeds. Sowing the seeds. Go. लेकिन आप क्लास में मत ऐसा किया करो. Yes. Third, yes, Tanjot. Manure and fertilizers are added to the soil. So its point, this point is adding manure and fertilizers. खादें डालते हैं उसमें. Yes. Yes, next. Just wait. Fourth point is soil is irrigated properly. So fourth point banega irrigation. Irrigation. Irrigation usko watering ki jati hai. Ab aayega fifth point, removing the weeds. Removing the weeds. Removing the weeds. Weeds ko remove kiya jata hai jo unwanted plants hote hain. Yes. कविश, आपका बच्चा यही रहता है, आपको शो नहीं हो रही तो नेटवर्क इशू है ये. अगर वॉइस ऑडिबल है तो नोट डाउन करिए साथ के साथ. अब सभी को शो हो रही है, आपको नहीं शो हो रही बस. सिक्स पॉइंट, क्रॉप इज कट यूजिंग अ कंबाइन. तो कटिंग द क्रॉप्स, सिक्स पॉइंट क्या बनेगा, कटिंग द क्रॉप्स. एंड सेवन पॉइंट, yes, seven point kya banega, crop is packed and stored properly. To isko short form mein kaise likh sakte hain, packing and storing crops. Bas last point hai namika, ये लास्ट पॉइंट है सेवंथ. स्टोरिंग, पैकिंग एंड पैकेजिंग भी लिख सकते हो, पैकिंग एंड स्टोरिंग क्रॉप्स. राइट, यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट होता है. यस. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. हाँ,
नहीं अभी कर तो रहे हैं, अभी हम अभी करेंगे। नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस विच इज आवर सेक्शन नंबर 3। डन। एक बार फोर्थ पॉइंट। फोर्थ इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन। ओके मैम। डन। जिस स्टूडेंट ने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है वो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करिए। राइट द यूजेस ऑफ खुंटी कोरिज एंड इलिगे विद इट्स पिक्चर्स। तो आपने इसका यूज लिखना है लेफ्ट साइड में और पिक्चर बनाओगे राइट साइड में। क्लियर? कर लिए थे, अच्छी बात है। पिक्चर भी ड्रॉ किया आपने? ओके, तो इसकी पिक्चर भी साथ के साथ ही ड्रॉ करोगे। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो उसकी स्पेस छोड़ दोगे राइट साइड में। एवरीबडी इज डन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ थर्ड सेक्शन। यस। यस कविश। मैम प्लीज रिपीट द सिक्स क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट, कटिंग द क्रॉप्स। ओके मैम। Let's do its second question. Have you done first part? कर्नाटका का मैप पेस्ट करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले भी नहीं किया था, सेकंड टाइम ही दिया था तब भी नहीं किया, तो अब वर्कशीट में पेस्ट करोगे। अगर कर चुके हो तो आप मत करना, तो लिख देना कि ऑलरेडी पेस्टेड इन नोटबुक नंबर 1। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए सेवंथ पैकिंग एंड स्टोरिंग फूड्स क्रॉप्स। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द यूजेस ऑफ खुंटी कोरिज एंड इलिगे विद इट्स शो डिफरेंस Show its uses with pictures. Metal. Yes, uses of khunti ka use. Heading note down karoge khunti. Yes, khunti is used. Khunti ka heading note down karke likh sakte ho. It is. Metal. Wait. It is. Used in digging the soil. Used for लिख सकते हो, for digging the soil. नहीं मैं आपको वही बता रही हूँ। सपोज आपका ये पूरा पेज है, जो मेरी स्क्रीन है ये आपका पूरा पेज है, तो आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट साइड, मैंने स्क्रीन की लेफ्ट साइड खुंटी लिखा, इसके नीचे यूज लिखा है, आपके पास स्पेस थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसकी राइट साइड में आपने यहाँ पिक्चर ड्रॉ करनी जहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपके पास और स्पेस है तो आप इसी 3 लाइंस यूज कर रहे हो सकता है आपकी नोटबुक में 2 लाइंस में ही कंप्लीट हो जाए। राइट? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि खुंटी के नीचे आप यूज लिखोगे जो कि लेफ्ट साइड है पेज की, और राइट साइड में आप पिक्चर ड्रॉ करोगे खुंटी की।
क्लियर। तो हमने इसकी प्रैक्टिस कल की थी। यस मैम। तो ऐसे ही पिक्चर ड्रॉ की थी ना हमने कल इस फॉर्म में। यस, इसको ड्रॉ करोगे बाद में, इसको ड्रॉ कर लेना आप, राइट। और इसका सेकंड पॉइंट है, विच इज द सेकंड पॉइंट मैम, ये वाली ड्रॉ की थी। अब ये वर्कशीट में करोगे ना आप, करेज, करेज में। ओके, इट्स यूज इज, इसका क्या यूज है, टू स्प्रिंकल द सीड्स, नोट डाउन, टू स्प्रिंकल विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। यस, टू स्प्रिंकल सीड्स, द सीड्स लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ। मैम खुरजी क्या होता है? खुरजी नहीं है ये, कुरिज है। ये हल था जो हमने कल डिस्कस किया था, जिससे बुलक्स क्या करती हैं, सीड्स, बुलॉक्स की हेल्प से हम सीड्स को स्प्रिंकल करते हैं सॉइल में। कल पिक्चर भी दिखाई थी मैंने, हेल्प ऑफ बुलॉक्स, जो बसवा फार्म के स्टार्टिंग में चैप्टर में भी गिवन है पिक्चर। तो इसकी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जो हमने कल की थी, ऐसे करके की थी ना हमने। यस मैम, मैंने आपको सिंपल सी बताई थी कैसे कैसे करनी है ना। तो वैसे आप अच्छे से ड्रॉ करोगे। ओके मैम। तो आपने अच्छे से ड्रॉ करनी जैसे हमने कल बनाई थी। ये मैं आपको जस्ट एक सैंपल दे रही हूँ। मैम अब हो रही है मैम शो स्क्रीन, ठीक है। तो आप अगर किसी और प्लेस पे बैठे हो तो वहीं पे आप देखा करो, अपनी लाइव क्लास अटेंड किया करो, हो सकता है नेटवर्क इश्यू होता हो। ओके मैम। नेक्स्ट थर्ड इज, थर्ड है हमारे पास इलिगे, 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 इलिगे क्या थी, इसका यूज क्या था। यस यस, यूज यस टू कट द, लिख सकते हो आप कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट हमने चैप्टर में क्या किया, टू कट द ड्राइड लीव्स ऑन, हाँ, ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ द अनियंस, टॉप ऑफ अनियंस, राइट। तो इसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसी पिक्चर थी, एक हमने नीचे क्यूबॉइड शेप बनाई थी, एक बॉक्स सा बनाया था ऐसे करके, उसके ऊपर हमने ये ड्रॉ की थी सी शेप में, राइट। इसके ऊपर कोई और कलर कर सकते हैं? कौन सा कलर कर सकते हो, ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन कर सकते हो आप, क्योंकि ये ऐसी कलर में होती है। डन। ओके मैम। ओके मैम, सिल्वर कलर, और मैम नीचे का जो मैम क्यूबॉइड बॉक्स है उसमें मैम ब्राउन कलर, वुड कलर भी कर सकते हो। यस, सो हैव यू डन। और इसका सेकंड पार्ट था कर्नाटका स्टेट वाला, अगर आपने किया हुआ है तो आप मत करना, इसमें लिख देना, ऑलरेडी पेस्टेड इन नोटबुक नंबर वन। मैम फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप कर दो मैम, थर्ड मत करो अभी। ओके कविश, सभी स्टूडेंट्स का सेकंड पॉइंट हो चुका है। वासुदेव, यस, ओके। अनामिका, ओके अनामिका, हैव यू डन सेकंड पॉइंट। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्कशीट नंबर 16, मैथ्स का टेस्ट। यस, इसके और मैथ्स का टेस्ट है आपका, फाइन। तो अभी आपको गूगल फॉर्म का लिसन, मैम मेरा
लिसन। तो अभी आपका गूगल फॉर्म में आपको लिंक आएगा गूगल फॉर्म का, उसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गूगल फॉर्म के ऊपर ही ऑप्शन वाले होंगे, बाकी के जिसके साथ मैंने लिखे है यूज योर टेस्ट नोटबुक, उसमें आपने वो सम टेस्ट नोटबुक में सॉल्व करना है। अभी मैं आपको सेंड करती हूँ, फाइन। और अगर किसी की वर्कशीट रहती है ईवीएस की तो इवनिंग तक इसको कंप्लीट कर लेना आप, फाइन। यस मैम, मेरे तो होगी अगर कंप्लीट, जिसकी होगी अभी सेंड कर सकते हो। मैम आपको इवनिंग तक कार्ड सेंड कर दूंगी। ओके ओके, मैं आपको उस ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ। ओके, लीव दिस मीट नाउ। ओके मैम, बाय बाय।